टीम बना ली है? एंड विद इन 3, 2, 1 अरे कर वी आर रिलीजिंग द न्यू पोस्टर एंड एक बार जोरदार तालियां हो जाए। व्हाट एन अमेजिंग पोस्टर। मस्त है। कपड़ा ले लो दोनों सबकी मेहनत जो भी है, जितने भी लोगों ने मेहनत की है इस मूवी के पीछे, इन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जी हाँ, मेरे कैमरे में अभी तेरा कैमरा आ रहा है। इधर बैठो। जी हाँ, वाह। एंड आई वुड लव टू कॉल जतिन उपाध्याय टू प्लीज फेलिसिटेट राजीव भाटिया। वो सब उधर उधर ही जा रहे हैं। एंड मनोज जी, इमरान खालिद जी कहाँ है? इमरान खालिद जी, हाँ मनोज जी प्लीज आइए और इमरान खालिद जी को प्लीज फैसिलिटेट कीजिए। वाओ। और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी रणवीर शौरी जी, आप मनोज जी को बना दीजिए। यही हमारा बजट बहुत है सर, डोंट वरी। एक बार जोरदार तालियां हो जाइए। जितने भी जन ने मूवी के पीछे जितनी भी मेहनत की, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इन लोग के लिए। यस, थैंक यू। मैम, जो फैशन वर्ल्ड है उसके बारे में आपका क्या परसेप्शन है, ये बताइए। मेरा परसेप्शन लुक सेंटर, मेरा परसेप्शन फैशन की दुनिया के बारे में वही है जो आई थिंक हर पूरी जनता का परसेप्शन है कि बहुत ही ग्लैमरस वर्ल्ड है, काफ़ी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, क्रिएटिव बिजनेस है, मनी है, फेम है, ग्लैमर है, हार्डशिप्स भी हैं। तो आई थिंक मेरे भी परसेप्शन वही है जो आप सबका है, और मेरे पास कोई ऐसी खास इंसाइट नहीं है फैशन की दुनिया के बारे में, अगर वो आप पूछ रहे हैं। तो जो हमारी फिल्म भी है ऑन द रैम्प, वो भी इन्हीं चीज़ों पर आधारित है। फैशन की दुनिया का जो ग्लैमर है, पैसा है, फेम है, और उसके पीछे जो हार्डशिप्स होती हैं या जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इन्हीं पर बेस्ड है ऑन द रैंप। सर, ये भी जानना चाहूँगा कि अभी जितना भी आपका कैरियर रहा है, काफ़ी बेहतरीन फिल्मों में काम किया, बेहतरीन अभिनय किया आपने, और बिग फिल्म हो या कमर्शियल फिल्म हो, अभी के दौर में क्या आपका कैरियर रहता है, कोई फिल्म सिलेक्शन का, कोई रोल सिलेक्शन का, अगर जो कोई रोल ऑफर होता आपको तो? देखिए, मैंने हमेशा यही कहा है, मेरा एक 3-tier सिस्टम होता है फिल्म सिलेक्ट करने का। सबसे पहले स्क्रिप्ट, फिल्म की कहानी क्या है, मुझे पसंद है, क्या मेरी ऑडियंस को पसंद आएगी। दूसरा होता है मेरा रोल क्या है, क्या मैं वो रोल कर सकूंगा, करना चाहूंगा। इस फिल्म में तो मेरा लीड रोल है, जो कि मुझे बहुत कम मिलते हैं, तो उसमें तो सवाल ही नहीं होता है। लीड रोल होता है तो मेरे पहले अंगूठे दोनों खड़े हो जाते हैं। हालांकि फिल्म की कहानी भी बहुत बढ़िया है, स्क्रीन प्ले भी अच्छा है, और लास्ट जो मेरा क्राइटेरिया होता है वो यही होता है कि फिल्म के जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर, उनके साथ मेरा जो कॉमन एक, मैं उनके नज़रिए से फिल्म देख पा रहा हूँ कि नहीं, उनके साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा है, क्या एक अच्छा रिलेशनशिप है, ट्रस्ट है, रिलेशनशिप है, अफेक्शन है, प्यार है, मोहब्बत है। इसीलिए जैसे इमरान भाई के साथ मेरी बहुत मोहब्बत है। बिल्कुल करते हैं, फिल्म देखो ना, कौन बोला नहीं करते हैं। मैं बता रहा हूं एक बात, एज अ बिल्कुल एक्शन भी करते हैं, डांस भी करते हैं, अगर अफवाह मत फैलाओ यार। सर, ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी करते हैं, जो रियल एक्टिंग आपका, वो आपका कितना जस्टिस मिल पाया प्रोड्यूसर के साइड से, जो भी आपका एक्टिंग टैलेंट। फिर से पूछे से समझ में नहीं, जस्टिस मतलब अब इसमें कोई ऐसा लिख के तो कोई लाता नहीं है कि इसको इतना मिलना है, उसको इतना मिलना है ना। तो मतलब मैंने जो आई थिंक मेरे टैलेंट के हिसाब से, मेरी मेहनत के हिसाब से मुझे मिल रहा होगा। ये कहना बहुत ही मतलब मुनासिब नहीं होगा कि मैं कहूँ कि नहीं, मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, मुझे कुछ नहीं मिला। मेरे पास आज जो भी है वो ये इंडस्ट्री से ही मिला है मुझे। ज़्यादा क्या मैं ज़्यादा चाहता हूँ? बिल्कुल चाहता हूँ। कौन नहीं चाहता।
बट व्हेन यू आर पार्ट ऑफ अ ऑब्वियस सिनेमा, क्या करना चाहिए कमर्शियल साइड उसमें नहीं होता है, तो वो करना कितना ज्यादा मतलब चैलेंज? देखिए कमर्शियल फिल्म्स में मैंने काफी बार कोशिश की है, मैंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में भी मैंने रोल्स किए हैं, लीड रोल्स नहीं बट एटलीस्ट मतलब इम्पोर्टेंट रोल्स किए हैं. मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, मैं एक बहुत इंडिपेंडेंट किस्म का मेरा करियर रहा है. मेरे कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं है किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ या किसी बड़ी फिल्मी हस्ती के साथ या प्रोडक्शन हाउस के साथ के मुझे कोई स्पेशल यू नो ब्रेक्स मिली हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं. तो मुझे कहते हैं ना जो रगड़ा खा के ही काम मैंने किया है, तो उस दौरान मुझे मिले हैं लीड रोल्स, बट जैसा आप कह रहे हैं मेन स्ट्रीम लीड रोल से शायद उतने मौके नहीं मिले हैं, मुझे कम ही मौके मिले हैं. बट आई एम श्योर मेरे से भी बदतर लोग हैं जिनको उतने मौके भी नहीं मिले हैं. मेरी खुशनसीबी और क्या कहना चाहेंगे एज एन एक्टर उनके बारे में कि आप कितना फॉलो किए? बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर. उनके एक्टिंग के बारे में कुछ बताइए कि ऐसा क्या खास नजर आया आपको अभी तक जो कि आपने फिल्में देखी हो उनकी? ये रोल ये रोल के कोर तक अंदर घुसते हैं. अच्छा, बहुत डीप एक्टर है. बहुत डीप एक्टर. अच्छा, बहुत डीप एक्टर. एंड एज ए ह्यूमन बीइंग क्या कहना चाहेंगे? ह्यूमन बीइंग वेरी गुड, वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव. मुझे भेज के पूछ लिया करो यार, मेरे सामने क्या बोलेंगे. तो हमने स्क्रिप्ट जब बना ली थी तो ये थोड़ी सी स्लाइटली ऑफ बीट है, तो फिर हमने लिस्ट निकाली कि क्योंकि हम हमारा इतना बजट नहीं था कि कोई बहुत बड़ा हम स्टार लेके आए, बट वी वॉन्टेड अ फैंटास्टिक एक्टर फॉर दैट रोल. तो हमने वो पूरा जो है उसका एनालिसिस किया और फिर हमको लगा कि रणवीर विल फिट द बिल. एग्जैक्टली, याद रखिए जहाँ बजट नहीं होता वहाँ रणवीर शोरी होता है. नो एंड ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब. और दूसरी चीज़ कि फिल्म बनाने में रणवीर का हमको फुल सपोर्ट मिला सारे डिपार्टमेंट्स में. कहीं पे भी ही वॉज नेवर अ रोड ब्लॉक, ही वॉज ऑलवेज एन एक्सेलरेटर. जहाँ जहाँ हमको थोड़ी प्रॉब्लम्स आई या कुछ भी आया, ही वॉज ऑलवेज देयर. ही वॉज पार्ट ऑफ द फिल्म ऑलवेज, ही नेवर डिटैच्ड हिमसेल्फ. और इसलिए आई एम वेरी थैंकफुल टू रणवीर ऑल्सो कि ही हैज हेल्प्ड इन द मेकिंग ऑफ द फिल्म. ऊपर वाले की देन है भाई, जो हम जैसे जो बेरोजगार हैं उनकी प्रार्थना सुन ली ऊपर वाले ने और एक नई टेक्नोलॉजी बना के एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है. सर देखिए मैं आपको एक ये मुझे बहुत लोग आजकल पूछते हैं, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ. आपकी उम्र लगभग मेरे थोड़ी छोटी होगी शायद, तो जब हम लोग आपको याद होगा छोटे थे तो सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, ठीक है. तो जब दूरदर्शन के बाद जब बाकी चैनल्स आए तो सबको लगता था कि यार दूरदर्शन अब कौन देखेगा. फिर भी लोग दूरदर्शन देखते हैं अभी भी, जो रूरल एरियाज में वगैरह में आप देखेंगे दूरदर्शन बहुत बढ़िया चलता है, अभी भी उसकी रीच बहुत है. फिर बड़े चैनल्स आ गए उसके बाद में, अब यू नो अब तो बिल्कुल अब के वेब सीरीज, अब एक और प्लेटफॉर्म आ गया जहाँ पर और भी ज़्यादा. तो आई डोंट थिंक कोई चीज़ हट जाती है. आई थिंक वही होगा कि समय के साथ साथ प्रगति के साथ साथ हमारे जो चॉइसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे. तो वो अच्छी बात है मैं समझता हूँ, क्योंकि वो उसमें फाइनली जो कंटेंट इज किंग विल बी द फाइनल रूल. बिकॉज जब बहुत सारे चैनल्स भी हो गए थे तब भी आपको पता है हम लोग क्या करते हैं कि ये चैनल पे ये शो अच्छा है, ये चैनल पे ये शो अच्छा है. तो मैं मानता हूँ उसी तरह वेब सीरीज़ पर भी यही होगा, वेब प्लेटफॉर्म्स पर भी, ये प्लेटफॉर्म पर ये शो अच्छा है देखो, ये प्लेटफॉर्म पर ये शो अच्छा है देखो. फाइनली कॉन्टेंट विल विन, ये मैं मानता हूँ. And besides Ram, और कौन ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मतलब काम कर रहे हैं आपके काफ़ी दिल के करीब हो, ऐसा कैरेक्टर देखकर रहे आपकी फिल्म में समथिंग क्लोज टू योर हार्ट? यार दिल के करीब तो अभी पीछे ही बहुत दिल के करीब मेरी एक पिक्चर गई है, तो अभी मैं दिल को थोड़ा संभाल के रख रहा हूँ फिलहाल. वो सोन चिड़ा की बात मैं कर रहा हूँ, वो मेरे दिल के बहुत करीब थी लेकिन उसको जिस तरह का प्यार मोहब्बत मिलनी चाहिए थी वो मेरे हिसाब से मिली नहीं. अभी पिक्चर आई थी आपकी मोमाया मनी,
मोह माया मनी तो काफी टाइम हो गया भाई, अभी देखी यही होता है वेब प्लेटफॉर्म पे। डीमोनेटाइजेशन क्या है? अब इलेक्शन पे बनाओ पिक्चर, क्या मतलब? कौन सी पिक्चर भाई? ये पिक्चर, इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, फैशन पे दिल बेस्ड है। चलिए इसे फिल्म में, तो रणवीर जी आपने अपनी फिल्मी कैरियर में जितनी फिल्में की उससे आप किस फिल्म को कितना सेपरेट देखते हैं, इसमें क्या आप होप करते हैं कि क्या ऑडियंस को पसंद आए? मैं यही कहूंगा कि ये फिल्म जो जितनी भी मैंने फिल्में करी हैं उसकी एक बहुत स्पेशल कैटेगरी है, जिसमें बहुत चंद फिल्में हैं, ये फिल्म उस कैटेगरी में वो है जिन फिल्मों में मैंने डांस किया है। सो ये बहुत कम फिल्मों की कैटेगरी में है, बट इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप जब फिल्म देखें, एग्जांपल से नाना पटेल ने कभी डांस नहीं किया था, लेकिन जब डांस किया तो पिक्चर सुपर हिट गई। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ये भी सुपर हिट हो जाए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो जल्दी सर, यू आर एसोसिएटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय से यहाँ पे इस बिजनेस में? आई एम हियर फॉर दिस वॉज द बिजनेस यू वॉज विलिंग टू डू, कि इससे पहले भी आप कुछ करते हैं? बट व्हाट रियली मेड यू टू पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, ऐसा क्या आपको? डोंट यू फाइंड बेसिकली, क्योंकि बड़ी बड़ी बजट की फिल्म काम नहीं करती है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को लॉस झेलना पड़ता है? बजट नहीं है, कंटेंट होता है, जो कंटेंट जो फिल्म में है, म्यूजिक एंड स्टोरी एंड एंड वो हिसाब से तो बिसाइड दिस मूवी एनी बिग बजट मूवी क्या क्या मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसके अलावा? इसके अलावा अभी तो डिस्ट्रीब्यूशन में है, लेकिन फ्यूचर में तो। एंड व्हाट आर द अदर प्लान्स बिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या प्लानिंग है? और हम लोग एक मूवी रही चालू कर रहे हैं अब आफ्टर टू मंथ्स, वी आर द वर्क इज गोइंग ऑन द स्क्रिप्ट। Thank you.